दोस्तों क्या आप जानते हैं इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगने जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे लगता है? अगर जानते हैं तो बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो बन रहे हमारी वीडियो के अंत तक। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, और जिस वजह से चांद की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और जिसे हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुर के बीच अमृत को लेकर झगड़ा हो गया और तभी इस विवाद को निपटारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं के पास चले गए। लेकिन असुर के बीच का राहु चुपके से अमृत पान कर लिया और इसी बात की भनक चंद्रमा को लगी, तभी उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया और तभी विष्णु ने अपने दर्शन चक्र से उस पर वार किया, लेकिन अमृत पान के कारण राहु फिर से जीवित हो गया। तत्पश्चात काफी विष्णु ने गुस्से में आकर फिर से इसके दो टुकड़े कर दिए और जिससे ऊपर वाला भाग राहु कहलाया और नीचे वाला भाग केतु, और इसीलिए धर्म के अनुसार इसे अशुभ माना जाता।